नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए नए नए विषय लेकर आते रहते हैं। हम विभिन्न विषयों पर आपके सामने कुछ चर्चाएं करते हैं और आज भी हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा विषय रहेगा आयुर्वेद और आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद की महत्वता। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दीपक जी उपस्थित हैं। दीपक जी हमारे साथ बने रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे लिए काफ़ी लाभकारी साबित होता है और ये हमारे जीवन में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो आज हम इसी विषय पर जानेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सत्यम जी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आयुर्वेद क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, आयुर्वेद तो मनुष्य का जब तक जीवन है, आयुर्वेद का संयोग तो उससे रहता ही है, क्योंकि व्यक्ति जीवन जीने के लिए खाना खाता है, भोजन करता है, तो भोजन भी आयुर्वेद का ही एक अंग है। उसमें जो हम चपाती खाते हैं, गेहूँ, वो भी आयुर्वेद का ही है। वो जो सब्जी बनाते हैं, वो भी आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद तो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन ही आयुर्वेद पर निर्भर है। लेकिन यदि हम मुख्य आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद को हम पैथी के रूप में जानते हैं, चिकित्सा पैथी के रूप में, और यह हमारी प्राचीन चिकित्सा है। लेकिन अब कुछ समय पहले जो है, और कई प्रकार की चिकित्सा आ गई, जैसे एलोपैथ आ गया या और अन्य हैं उसमें, लेकिन हमारी जो मूल चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद ही है। और आयुर्वेद जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाओं का जो दर्शन है वो आयुर्वेद हमें कराता है। और उसमें व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, किस खाने से क्या उसका लाभ होता है, क्या उसकी हानि होती है, और यदि हमें कुछ और विशेषता शरीर में कुछ घटित करना है या कुछ और अन्य उपयोग का साधनों का उपयोग करना है, तो वो फिर आयुर्वेद हमें बताता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं, वो जो स्वस्थ भी होते हैं, वो पूछते हैं कि जी हम आयुर्वेद ही क्यों अपनाएं? आप बात करते हैं कि आप आयुर्वेद अपनाइए तो आपके जो हैं रोग ठीक हो जाएंगे, तो आयुर्वेद क्यों अपनाएं, उसके विषय में आप हमें जानकारी दें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, जो हमारी जो मूल प्रकृति है वो आयुर्वेद की है, और आयुर्वेद से हम कहीं भी अलग नहीं रह सकते, क्योंकि आयुर्वेद सुबह से शाम तक हम आयुर्वेद के मध्य में रहते हैं और आयुर्वेद से ही हमारा शरीर चलता है। तो हम उसको छोड़ के फिर अन्य की तरफ क्यों जाएं? उसी को मूल रूप से हम अपनाते हैं, जैसे मूल रूप से हमारे साथ में है वो, तो उसी के साथ हम जोड़े। हम क्या करते हैं, गलती तब होती है जब हम आयुर्वेद को छोड़ के दूसरी उसमें जाने लगते हैं। और आयुर्वेद को छोड़ते कब है, जब हम अपनी प्रकृति को छोड़ देते हैं। जो प्रकृति का जो अपना एक नियम है, उसका जो एक रूल है, उसको हम विमुख हो जाते हैं, उसके अभिन्न अलग हो जाते हैं हम। तो फिर क्या होता है कि प्रकृति से जब हम दूसरी तरफ जाएंगे, तो जो प्रकृति का अपना जो नियम है, जो शरीर पर बहुत एक पॉजिटिव प्रभाव डालता है, वह नेगेटिव डालने लगता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि व्यक्ति जो है वो लेट उठता है, क्योंकि वो रात्रि में लेट सोता है, तो वो जैसे लेट उठेगा तो प्रकृति उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि प्रकृति का जो उठने का समय मनुष्य को दिया है वह प्रातःकाल का है, ब्रह्म मुहूर्त का है। आप 3 बजे से लेकर और 5 बजे तक उठ जाइए, तो उस समय उठने का भी जो एक लाभ, विशेष लाभ होता है, वह प्रकृति उस समय देती है। लेकिन यदि हम उस समय को छोड़कर अन्य दूसरे समय में उठेंगे, तो वह लाभ नहीं मिलेगा। और सोने का समय, जैसे रात्रि का जो सोने का समय वो 9 और 10 बजे के बीच का है, तो आप उसमें सो जाएंगे, तो उस समय सुखद निद्रा का समय होता है, और जो जो व्यक्ति उसको छोड़ देता है, तो सुखद निद्रा उसको आ ही नहीं सकती। उसका कारण फिर जो सामने आता है, वह आता है कि उसमें जो उसके परिणाम कि अनिद्रा हो जाती है, लोगों को नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो सब प्रकृति के हम खिलाफ जाते हैं, उसका परिणाम आता है। तो आयुर्वेद हम क्यों अपनाएं? हम इसलिए आयुर्वेद अपनाएं कि ये जो हमारा शरीर जो आयुर्वेद के रूप में जो तैयार किया हुआ, जो प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति में आयुर्वेद है, तो उसी को बना के रखें, जिससे उसका संतुलन बना रहे और मानव का जो स्वास्थ्य है वह स्वस्थ रहे। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद के साथ चलिए, तो फिर अन्य पैथी की आपको आवश्यकता नहीं होगी, और आपका जीवन जो परमात्मा ने जीवे में श्रद्धा सतम के लिए दिया है 100 वर्षों के लिए, तो वह स्वस्थ रहने के लिए कि आप 100 वर्षों तक जिए और 100 से भी ज़्यादा जिए, तो स्वस्थ रह करके जिए, तो वही फिर जो है वो ठीक ठीक प्रकार से वह संपादन होगा और आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो आयुर्वेद को आप
इसीलिए अपनाइए, क्योंकि आयुर्वेद से हम अलग हो ही नहीं सकते, जैसा मैंने पूर्व में बताया, तो आयुर्वेद से हम अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम आयुर्वेद के साथ में विचारधारा को रख के चलें तो ये बहुत अच्छा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी और आपका जीवन जो संयमित होगा, स्वस्थ होगा और आप जीवन को सुखपूर्वक जी सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो यही आयुर्वेद की महत्वता है और आयुर्वेद को अपनाने का सभी से निवेदन करता हूँ मैं, आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद के और प्रकृति के साथ में मिलकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जान पाए, आपको बहुत अच्छी बातें आपको समझ आई होंगी कि आयुर्वेद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किस तरह से हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और आयुर्वेद आज हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है, इसकी तरफ हमारा रुझान भी बढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी और हम ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।